हमारा तारावती नाम है। कहाँ पे रहते हो? वो छोटी जबद्दी में। बेटी की उम्र कितनी? नाम 14 साल की मेरी बेटी की उम्र है और अनीता नाम है। कहाँ पे काम करती है वो? डुगरी में। फेस में। तो कितनी देर हुई काम? 2 महीना उधर हुआ है। क्या बात हुई है? पता नहीं मेरे को भैया क्या बात हुई है, बस मेरे को पता ही नहीं। मैं तो सारा दिन रात दिन उधर रहती थी, मैं तो अपने कमरे पे रहते थू कोठी वाली जी। मेरे को पता ही नहीं था, मैं तो ठीक ठाक 2 तारीख को मेरे घर आई थी मेरी गुड़िया। 3 तारीख को मैं छोड़ने गई, मेरी गुड़िया ने मेरे से बोला मम्मी मैं लेट हो गई, भाभी बोलेंगी। हम कहे भाभी क्या बोलेंगी, मैं खुद कोठी पे छोड़ के आएंगी। कहती चलो मम्मी ठीक है, मैं कोठी पे छोड़ के आ। उसकी भाभी इतनी जैसे घुर के निकली है, जैसे आंख बना के इतनी लेट की हो गई है, गुस्सा से बोली। पे मैंने बोला भाभी लेट तो ठंडी है, लेट हो गई कोई बात नहीं। तो कहती आप लोगों को नहीं ठंडी है, अनीता को खाली ठंडी है। हम कहे ठंडी तो सारे को, मेरी देवरानी साथ में थी। फिर उसको अंदर ले लिया, अंदर लेके मेरे से बोली हम मम्मी बाय जाओ, 15 दिन बाद ही आ जाएंगे। फिर हम चले आन, फिर मेरे को कुछ पता ही नहीं लगा भैया। कल रात में फिर मेरे घर आई 2 बजे, उधर बीबी लोग 5 बंदे आए थे, 2 बंदे 2-3 जनानी। वो यहाँ 2 बजे कहती आरती की मम्मी अनीता की मम्मी किधर रहती है, ओ शिवानी की मम्मी किधर रहती है। तो मेरे बेड़े में बाहर सोती थी एक, उसने बोला कह अनीता की मम्मी क्या हो गया अनीता बताओ, अनीता कोठी में बीमार है। मैं फटाफट उठे, मैंने अपनी जर्सी पाई अंदर से आना। कह क्या हो गया आंटी? कहती बहुत ज्यादा वो बीमार है, उसको टट्टी पंटी लगी। मैंने बोला चलो आंटी हम चलेंगे साथ में। मैं नीचे उतर के आ गया, मैं 2 मंजिल पे रहती हूँ, मैं नीचे उतर के आ गया। नीचे उतरने के बाद कहती अपने घर वाले को लेके साथ में चलो, मैं उधर अस्पताल लेके चलेंगी। मैं उधर से आन अपने घर वाले को बुलाया, हम कोई आपको बुलाती हैं। फिर ये मेरे बहने में एक रहते हैं, इनकी जनानी उधर काम करती है। लड़की कैसे हुई? हाँ वही बता रहे हैं भैया, कुछ नहीं। कहता उल्टी पंटी लगी है। हम कहे चलो मैं चले, मेरा बेटा भी गया, मैं भी गए। मेरे घर में मेरे बहने में 2 लोग और एक जनानी भी एक बंदा भी। उधर से गए, मेरे से कहती सोफे पे बैठ जाओ, मैं सोफे पे बैठ गए। हमने कही आंटी बुलाओ, किधर मेरी गुड़िया है? कहती वो बाथरूम करने गई, अभी आ रही। उनके घर से मारे बंदे सब भरे, ऊपर पुलिस वाले खड़े 2 मंजिल पे और नीचे बंदे खड़े। मैंने देखा, हम कहे आंटी क्या हो गया, अभी नहीं आई अनीता, भीतर भी नहीं यहाँ लगा है। कहती अभी 2 मिनट पे थे। पुलिस वाले ने मेरे को ऐसी आवाज लगाई ऊपर से, कह दो अनीता जहाँ जाने थी तहाँ चली गई आपकी गुड़िया, आपकी गुड़िया। हम कहे हाँ जी, कही वो तो जाना थी तहाँ चले गई, कितने बाथरूम गई है, आपने देखना हो तो देख लो। मैं ऊपर चढ़ के गई, उसके ऐसे सोल पड़ी थी ऐसे मुँह पे, मैंने उठा के देखो, मैं रोने लगे। उसने बोला पुलिस वाले ने रोती क्यों है, नीचे तो ले देन से। मैं उतर आया, उतरने के बाद मैं बेड़े में, मेरे घर वाले आ गए, मैं भी आ गई, मेरा बेटा भी। उसको गड्डी में लाद लिया, लड़की को मेरे लाद लिया, उसको गाड़ी बेड़ा के बाहर निकाल दी रोड पे। मेरे से बोलते चलना हो तो चलो, नहीं चलना हो तो कोई लोड नहीं। उन्होंने आपको क्या बोला, सुसाइड किया लड़की ने? हाँ जी। क्या बोला? मेरे को कुछ भी नहीं बोला, तब भी नहीं कुछ बोला। मैं कह आंटी क्या हुआ, मार के डार दिया मेरी गुड़िया को? तो कहती चुप कर, मेरे को बोला चुप कर। मैं बाहर आ गया ना, मेरी कोठी में सिमरन भैया, मैं जिसके वो भी प्रॉपर्टी का काम करती हूँ, उनके घर वाले में, घर में मैंने फोन करा। हम कहे सिमरन भैया हमारी गुड़िया को तो मार के डार दिया है, क्या करना है? वो कहता आंटी ये तो भाई हो गए, क्या हो गया? हम कहीं पता नहीं भैया। कहता मैं अभी आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। वो मेरी गुड़िया को लाद के सिबल में भर्ती कर दें, सिबल में पेश कर दिया। फिर मेरे को दूसरी गड्डी में पुलिस वाले लेके आए, मैं 3 बंदे आन गड्डी में। आपको क्या लगता है क्या मामला हुआ सर? मार के डारन मेरी गुड़िया को, मार के रख दिया न, उसके बाद मेरे कमरे पे लेने गए। जो भैया मेरी गुड़िया जो लटकी थी, मेरे को लटका ही दिखाया हो तो, मेरे सामने छोरा हो तो, हमारे सामने छोरा तो, मैं मान लेते मेरी गुड़िया की गंती। मेरी गुड़िया की जो गंती होती मेरे को बुला के बताती, तेरी गुड़िया ने ये गंत काम करा है, इसको डांट। क्या बोल रहे, किसने कहा कि गलत काम भी हुआ लड़की? नहीं, मैं जो कहती हूँ हाँ गलत काम हुआ है, गलत काम करके मेरी गुड़िया को मार के डाल दिया। नहीं है शरीर में कली पोटी है। क्या अपना पूछ की मांग करते हो, किसके कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई करो, कार्रवाई हो, फांसी कार्रवाई होनी चाहिए। आपका क्या नाम है जी? मेरा सूरज कली। आपकी लड़की क्या लगती है, क्या बात? मेरी लड़की पड़ोसी में, मेरे बेड़े में रहते हैं, बगल में रहते हैं। क्या मामला पूरा? इसका बलात्कार का मामला लग रहा है पूरा। उसके कहा से कि कमीज नहीं है लड़की, खाली कोटी है शरीर में, और पैंट पुलिस वाले जब दिखा है वीडियो बनाया हुआ, पैंट लड़की का ऊपर का चढ़ाया है। पुलिस वालों ने की पैंट? हाँ जी हाँ, अभी वीडियो किसी के पास होगा देख लो वीडियो। मामला मारके वाली हजे तक गल सिद्ध नहीं हुई। कुड़ी ने फाह लिया सी, असी रात डेड बॉडी उतार के सिविल अस्पताल दाखिल कराती सी मोर्चरी विच डेड बॉडी। हुण असी इहनां दे बयान लिख के कार्रवाई कर रहे हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने जो भी बनता है वह करांगे।
जिदे खिलाफ जो भी बनता जरूर करांगे। फिलहाल पोस्टमार्टम कराने लगे हैं तो उन्होंने वारस भी आ गए ने, वारस रात भी आ गए सी, रात उन्होंने वारसा की हाजिरी में ही इतने कुड़ी को दाखिल कराया गया। बॉडी तार ली सी, बॉडी उन्हां दी हाजरी विच इत्थे लैंदी आ। बॉडी तारना जरूरी हुंदा, इहदी हुंदा वी कई बार आपां दूर आणा वी 10 घंटे बॉडी लटकी नहीं रहिंदी होनी मौके तों। हां, असीं आप तारी उहदी कायदा मूवी बणी आ, फोटो वखरियां।